Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ विलेज की इवनिंग रूटीन शेयर करने लगी हूँ। ये असर से पहले का टाइम है, क्योंकि यहाँ पे जो चाय होती है शाम की, जो हम लोग शाम की चाय कहते हैं, वो 3, 3:30, 4 बजे पी जाती है। क्योंकि असर की जो नमाज़ होती है उसके बाद तो फौरन बाद ये लोग खाना बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये चाय भी मैंने आज मीठे पकवान थोड़े से बनाए हैं। बाहर कुछ ऐसा मौसम है, मौसम बड़ा खूबसूरत है बाहर का। हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली है। अब जो है ना, मैं अंदर आई हूँ और सबसे पहले जो मैंने काम किया है वो बर्तन धोए, क्योंकि बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। बर्तनों का जो ढेर है ये मेरा पिंडी में भी लगा होता है और गाँव में भी लगा होता है, क्योंकि बर्तन वहीं पे ज़्यादा होते हैं जहाँ पे खाना पीना ज़्यादा हो। और जिस घरों में खाना पीना ज़्यादा होता है वहाँ पे बर्तन भी लाजमी होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि जो है ना, हमारे घर बर्तन नहीं होते हैं। हालांकि मैं भी साथ साथ धोती रहती हूँ, ये नहीं कि मैं बर्तन इकट्ठे करती हूँ। बर्तन सिंक में मेरे कभी भी नहीं पड़े होते, मैं साथ साथ धो लेती हूँ। लेकिन ये कि ज़ाहिर कभी कुकिंग हो रही होती है, कभी क्या हो रहा होता है, तो उसके बर्तन तो गंदे होते हैं। जैसे मैंने अभी शाम की चाय बनाई है, साथ मीठे पकवान बनाए हैं, तो ज़ाहिर है उसमें भी काफ़ी बर्तन गंदे हो गए। तो इसलिए जिस घर में खाना पीना ज़्यादा होता है वहाँ पर बर्तन भी ज़्यादा होते हैं। और अभी मैं जो है ना, रात के लिए आटा गूंद रही हूँ। यहाँ का जो रात का खाना होता है वो शाम को ही खाया जाता है। इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, नाइट रूटीन नहीं। क्योंकि जो यहाँ जो रात का खाना होता है वो इवनिंग में ही खाया जाता है, जैसे ही मगरिब की अज़ान होती है तो ये लोग खाना खा लेते हैं। तो ये मैं जो है ना, असर का टाइम है और मैं आटा गूंद रही हूँ, साथ साथ मैं जो है ना अभी कुकिंग भी स्टार्ट कर दूँगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गाँव की इवनिंग रूटीन। गाँव की जो रूटीन होती है बहुत सादा होती है और बहुत खूबसूरत रूटीन होती है। मुझे तो, मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ। या तो मैं शहरी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गई हूँ, इसे मैं गाँव की रूटीन ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। हो सकता है जो लोग गाँव में रहते हों वो शहर की रूटीन को ज़्यादा इन्जॉय करते हों। मैंने कुकिंग स्टार्ट कर ली है। मैं आज बना रही हूँ चिकन, और शोरे वाला चिकन बनाऊँगी आज। सादा सा चिकन बनाऊँगी, शोरे वाला चिकन बनाऊँगी। और आप लोगों के साथ तो रेसिपी कोई ख़ास नहीं शेयर करूँगी, लेकिन ये कि मैं तो आप लोगों के साथ इतनी रेसिपी चिकन की शेयर कर चुकी हूँ, कोई रेसिपी मुझसे रह ही नहीं है। वैसे भी रेसिपी जाके जो है ना पिंडी में आप लोग के साथ शेयर करूँगी, वहाँ कोई और काम तो होता है नहीं है। फिर मैंने आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करनी होती है, क्योंकि वहाँ जो होता है, मैं एक घर में बंद हो जाती हूँ। और मैं जब यहाँ से जाती हूँ तो मेरा दिल बहुत खफा होता है वहाँ पिंडी में जाके, क्योंकि पिंडी में ज़ाहिर है तंग तंग गलियाँ और छोटा सा घर और यहाँ खुली फिज़ा। असल में जिस घर से मेरी शादी हुई थी ना, कभी मैं आप लोगों को अम्मी का घर दिखाऊंगी, मैं वहाँ का जो है ना आप लोगों को टूर करवाऊंगी। मेरा जाना ही नहीं हुआ है, जब मेरा जाना हुआ तो मैं ज़रूर आप लोगों को अपना घर दिखाऊंगी। हमारा जो घर था वो शहर से थोड़ा सा बाहर था और जो है ना खुले एरिया में था। फिर ऐसा ऐसा घर तो बहुत बन गए थे, लेकिन ये कि जो हमारे सामने जो एरिया था वो इसी तरह खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि वो लोग ज़मीन बेच ही नहीं रहे थे। तो हम लोगों ने खुले एरिया में घर जो है ना ज़िंदगी गुजारी हुई है।
मोबाइल लग गई है, बारिश या बारिश का नहीं पता होता किसी टाइम पे आ जाती है। जैसे कि मैं आप लोग को बात सुना रही थी कि हम लोग खुले एरिए के आदमी थे, वहाँ पे रेलवे लाइन भी जाती थी, तो जिसकी वजह से मैं जब शादी हुई पिंडी में तो मैं पिंडी में बहुत तंग होती थी। गाँव में जब यह होता है ना कि जब शाम की अज़ान हो जाती है तो लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ के खाना खा लेते हैं और फिर यहाँ पे बहुत खामोशी छाई जाती है, बहुत ज़्यादा खामोशी होती है। बस किसी के घरों में से आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें आ रही हों तो आ रही हों, लेकिन ये क्या होती खामोशी है और कोई इधर उधर जो है ना आवाज़ें गाड़ियों की या लोगों की या नहीं आ रही होती हैं, बिल्कुल खामोशी होती है, बहुत पुरसकून एरिया होता है। हाँ, जिन लोगों के घर टीवी वगैरह होते हैं, यहाँ पे जो है केबल वगैरह भी नहीं है और लोग जो है ना ज़्यादा पीटीवी देखते हैं। हाँ, जिन लोगों के घर डिशें वगैरह लगी होती हैं, रिसीवर पड़ा होता है, वो लोग जो है ना उन लोगों के घर होता है, लेकिन वैसे जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो पीटीवी ही देखते हैं। हम लोग भी पीटीवी ही देखते हैं। मैं तो टीवी जो है ना घर में भी बहुत कम देखती होती हूँ, घर में मैं ज़्यादातर मोबाइल में मसरूफ़ होती हूँ। फिर वहाँ भी जो है ना हम लोग जब खाना खा लेते हैं, ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर जाके लेट जाते हैं और मैं तो मोबाइल पे लगी रहती हूँ, लेकिन ये होता है ज़हीद जल्दी सो जाते हैं। ये मैंने अनारदाने वाली चटनी बनाई है और इसकी जो बेसिक टिप थी ना वो मुझे नहीं समझ आ रही थी, मुझे बहुत लोगों ने समझाई है लेकिन अब मुझे समझ आ गई। यहाँ ये सिर्फ जायके का मसला है कि यहाँ के जो पुदीने का पहाड़ी पुदीने और शहर के जो पुदीने उसमें फ़र्क है। और ये हमारा मज़ेदार सा डिनर तैयार हो गया है, तो मैं यहाँ आप लोग से इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।